सो गाइस, मेरा ये आप देख सकते हैं, इसको मैं बेचने वाला हूँ। इसको बेच के हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। ले चलो ना, समझ नहीं रहा हूँ, मेरे को पहाड़ों में जाना है। चलो बोलो घर से। चलो ना, परेशान मत करो ना। चिल्लाए क्यों मत, दो दिन से परेशान, दो नहीं चार दिन से परेशान कर रहे हो। मैं परेशान कर रही हूँ? हाँ, मैं जाने को बोल रही हूँ तो परेशान कर रही हूँ। उसमें परेशानी नहीं है, एक बार थाईलैंड फिक्स हुआ ही नहीं कभी। एक हम थाईलैंड बोल रहे हैं, बता। वियतनाम। अच्छा, वियतनाम फिक्स हुआ, फिर बाली फिक्स हुआ, फिर दुबई। दुबई सबसे पहले फिक्स हुआ, बाद में क्यों बोले, पहले बोलो उसको। पहले दुबई फिक्स हुआ, फिर वियतनाम, फिर बाली, और एक तुमको जाना है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए। स्विट्जरलैंड जाना, आप लोग बताओ, क्या स्विट्जरलैंड जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है इंटरव्यू देने? यस। नहीं, मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियोस देख लिए हैं, कोई भी नहीं बोला कि इंटरव्यू देने जाना है। क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, इतना पूछेंगे। तुम मेरे को नहीं लेके जाना चाहते हो स्विट्जरलैंड। तो कोई भी अगर ट्रैवलर है जो हमें बिना इंटरव्यू और ये सब के अगर हमें स्विट्जरलैंड लेके जा सकता है, तो हमें कमेंट बॉक्स पे बताओ, या फिर मैसेज करो भाई, कॉल करो मेरे को, कुछ तो करके मुझे भेज दो स्विट्जरलैंड। आप सबको तहे दिल से गुजारिश है, ये परेशान कर दे रही है गाइस तीन चार दिन से। जाना है तो मैं बोला जहाँ पे भी जाना है लेके जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सेलेक्ट करो, बोल दो ट्रैवलर को टिकट बुक करने, लेकिन परेशानी समझती नहीं। क्या परेशानी? परेशानी इज दैट, परेशानी भी तुम्हारे इंग्लिश जैसा ही है। बताओ तुम जल्दी क्या कर रहे हो? स्विट्जरलैंड जाना है। स्विट्जरलैंड जाना है गाइस, इसको कुछ करो यार। स्विट्जरलैंड जैसा और कोई जगह नहीं है जहाँ हम इजीली चले जाए? कश्मीर नहीं जाऊंगी। सिलीगुड़ी बिलीगुड़ी वाला आइडिया मत दो भाई, उधर जाके हमारा नुकसान हुआ है। नुकसान सुनो, कैसा नुकसान? एक वॉच घूम गया, एक घड़ी था 30,000 की घड़ी, वो घड़ी घूम गया, उसके अंदर फिर पैसे भी थे 9,000 थे, वो भी घूम गया, सारे कार्ड्स घूम गए, और जितने दिन थे उतने दिन का ट्रैवलिंग का खर्चा लग गया, और हमारा शूट कुछ हो नहीं पाया क्योंकि बारिश। और फिर बारिश गया तो कोहरा आ गया, कैसे शूट करना समझ ही नहीं आता था भाई, बहुत प्रॉब्लम है उधर। ऐसा जगह चाहिए गाइस, ऐसा देखो, ये वाला, ये ऐसा हरा भरा, और इसके पीछे पहाड़ की कमी है, पहाड़ होना, पहाड़ था इस साइड, पहाड़ था, मेरे को उस साइड चाहिए, है ना, मिल जाएगा ऐसा जगह, एक जगह गोलू के घर के बाजू में। बोल नहीं, ले जाना ना, तब पे अरे भाई पप्पी देने से क्या होगा। पागल हो गई है गाइस, क्या समझ ही नहीं रही है क्या बोल रही है भाई। मैं मना कब किया हूँ, मना किया क्या? नहीं ना, तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम अपने साइड से जोर ही नहीं लगा रहे हो। कौन बोला? नहीं लगा रहे हो? कौन बोला? तो लगा के दिखाओ, मेरे को लेके चल के दिखाओ। अरे तो भाई तुम अभी तक के एक ही ट्रिप मारे हो, ठीक है। अरे मुझे मिल जाएगा, तुम मेरा टेंशन मत लो, चलो मैं बात कर लूंगी। कैसे बात करोगे? मुंह से बात कहीं और से तो कर नहीं सकती। तो भाई वो जो इमिग्रेशन या जो लोग इंटरव्यू लेते हैं ना, बहुत बहुत वो खुखार रहते हैं। चलो ना टिकट किंग के पास चलो ना। बोलो खाना लगा, पहले खाना खाएंगे। देखे ये नहीं लेके जाना चाहता है मेरे को, इसलिए बात पलट देता है जैसी मैं बोलती हूँ वैसी। अरे भाई खाना खाएंगे तब तो जाएंगे, काम है प्रमोशन, अच्छे से दबाओ, अच्छे से जाने के लिए पैसे अच्छे से दबाओ कर। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो, आपको भी अगर अपने गर्लफ्रेंड वाइफ
सबसे ऐसा कहीं पे पैर वैर दबाना तो बस उसको झूठा तसल्ली दे दो कि तुम कहीं पे नहीं ले जाओगे। झूठा तसल्ली भी बहुत कुछ कर सकता, लेकिन मैं झूठा तसल्ली देता हूँ क्या तुमको? आ दबाना, दबाओ पैर दबाओ। जाएंगे जाएंगे बोला ना, परेशान हो रहा था यार, बोला जब लेके जाऊंगा अच्छे से तो दबाओगे तो मस्त कहीं ना कहीं तो जाएंगे। इतने दबाने में यहाँ से अपन चिंगा पोकारी जाएंगे जहाँ पे तुम्हारा घी वाला शूट हुआ है, पूरा होल बॉडी मसाज में हम जा सकते आउट ऑफ कंट्री जल्दी। बॉडी मसाज ऐसे दूंगी ना तुमको, टूट के बिगड़ जाओगे। दोनों पैर दे दिया मैंने, देखो दो पैर में चिंगड़ा पोकार से थोड़ा आगे जगदलपुर जा सकते। अरे उधर सॉरी सॉरी जगदलपुर नहीं राजनांदगांव मेन पार्ट, इधर का छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड है वो, मेन पार्ट तो छत्तीसगढ़ कश्मीर है वो, स्विट्जरलैंड तक मत पहुंच जाओ। अरे ठीक है कश्मीर तो है ना, कम से कम दो पैर में वहां तक पहुंच जाएंगे। करो कर ये ऐसे में भाई वापस पीछे आ रहे उधर पहुंच गए, गुलशन जा रहे थे सराय पर। अरे लग रहा है वापिस आ गए रायपुर वापस आ गए। नौकरानी दिख रही हूँ तुमको है, मैं कोई नौकरानी दिख रही हूँ, पैर दबा रहे हो उसके बदले मेरे को लेके जाओगे रायपुर वापस आ गए, मुझे क्या ले जाओगे? मैं तुम्हें ले जाऊंगी। बोलो हेलो बोलो। अरे बात तो करो, उठाना तो पड़ेगा कॉल पहले। कैसे पागल है। सो गाइस हम लोग समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाए किधर नहीं जाए, तो आप लोग बताओ अभी ये ब्लॉग अपलोड करो जल्दी से, ये इनमें से कोई तो देख के हमें पक्का स्विट्जरलैंड भेजेगा देखना। पक्का कोई तो, कोई ना कोई प्लीज हमें डीएम करो और बोलो कि भाई क्या करें हम लोग, कैसे जाए स्विट्जरलैंड। और अगर स्विट्जरलैंड हम नहीं जा पा रहे तो स्विट्जरलैंड जैसा और कौन सा कंट्री है जो वैसा ही हो, वैसे ही दिखता हो तो बताओ। तो बताओ ना, मुझे जाना है पहाड़ों में, हरा भरा घासों में, वैसे घर देखना रहना है। सो गाइस मेरा ये आप देख सकते हैं, इसको मैं बेचने वाला हूँ, इसको बेच के हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। और ये भी बेच दूंगा, ये भी है गाइस, इसको भी बेच दूंगा तो 100% हम पहुंच जाएंगे स्विट्जरलैंड। डोंट वरी, सब तो नकली है गाइस, ये नकली है सोना नहीं, नकली चीज। तुम मुझे नकली चीजें गिफ्ट किए हो, हटो ये सब मैंने ही गिफ्ट किया तुमको, सारे के सारे नकली, तुम कहां तक पता भी नहीं, सब नकली है गाइस, देख रहे हो ये गर्लफ्रेंड बस असली है, ये नकली है, ये भी नकली है, क्या दिखाओ तो। नहीं मेकअप तो नहीं आया, असली है, क्योंकि मेकअप नहीं करती हूँ मैं, ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। गाइस ये बेचने वाला हूँ मैं, ये 2 लाख का है, 1.5 लाख का है, 50,000। चुप रहो ना, उन लोग को थोड़े पता है। क्या यार आप लोग को सच बता दे रही, अभी देखो सच बता दी, नकली बोली थी थोड़ी देर पहले। सो गाइस ये 2 लाख का है क्योंकि मैंने पहना है, जो भी मेरा फैन है वो मेरे को बताए कि इसको 2 लाख में लेने वाला है कोई, जो इसको सजा के रखे अपने घर में। बोली भी लगा सकते हैं 3-4-5 जहां तक ले जा सकते हैं। हाँ सिर्फ इसमें से नहीं जो हो पाएगा स्विट्जरलैंड, ये भी है ना भाई, सब उतार देगा मैं, सब उतार दे। ये तो फिर भी 1.5 लाख का, ये तो और सस्ता है फिर। भाई 1 लाख पहुंच जाएगा ये। नहीं ये 85,000 का जब लिए थे तब, अभी अभी एक पहुंच जाएगा ना भाई, इतना तो है ना, ऐसा भी नहीं है यार, 3 इधर ही हो गए, 3 हो जाएगा इतने में। हाँ हो गया 3 लाख का जुगाड़, जीता जाता 3 लाख का हूँ मैं भाई। मेरे पास भी है, मैं भी दे देती हूँ ये सब। ये वाला नहीं दे पाऊंगी, मेरी सासू माँ ने गिफ्ट किया ये वाला, ये मेरा 41,000 का है, देखे? 3 लाख हो गए। अरे दो आईफोन है,
अच्छे आईफोन भेज देंगे। मेरा फोन है ना, मेरा फोन ले जाना। डेढ़ लाख, दो लाख। हाँ हाँ भाई, दो लाख हो जाएगा। दो लाख, एक एक डेढ़ लाख का फोन तो दो दिन पहले ही लिए हैं, तो उसका कम से कम एक तीस तो दोगे ना आप लोग? दो दिन में एक तीस, एक अस्सी का फोन है। एक अस्सी, एक पचपन में लिया हम लोग। ठीक है भाई, उतना तो दोगे ना आप लोग कम से कम? देखो गाइस, और मेरा घर जो है ये ये घर भी है मेरे, इसको भी ले लो यार। और एक प्लॉट भी है, वो भी भेज देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। स्विट्जरलैंड लेकिन जाएंगे, सब बेच बाच के जाएंगे। पचास लाख के आसपास। तो ये दिक्कत है, पैसे का दिक्कत है। पैसे का दिक्कत अभी नहीं है। अगर वो बंदा जो वीजा देगा, अगर वो पैसे नहीं, मतलब नहीं दिया, तो उसको पैसे तो खिलाने पड़ेंगे ना। इतना पैसा खिलाओगे? करोड़ों का? करोड़ों का तो नहीं लगेगा। एक काम करते, टीवी भेज देंगे हमारा। कितने का ही है वो बेचारा? एक अस्सी का तो है। तो भाई हो गया ना, फोन का रेट है। हो गया भाई, डन डन, सब भेज देंगे भाई। सब बेचने के लिए हम रेडी है, सब। बस स्विट्जरलैंड भिजवा दो। फालतू आदमी, मैं ले चलूंगी तुमको स्विट्जरलैंड। इसके पास पैसे पड़े हुए हैं, छुपा के रखती है। छुपा के रखती है, कितना बदतमीज। मुझे बोलती भी नहीं, मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं गाइस। शर्म भी नहीं आता इसको, मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े और इसको स्विट्जरलैंड जाना है। दुबई कैसे ले जा रहे थे? तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए है तो दुबई कैसे जा रहे हो लेके? हटो, स्विट्जरलैंड का वीजा दिला दो कोई। हटो तुम पहले, हटो। चलो खाना, चलो गाइस तुम लोग बताओ, अभी अपलोड करो, ठीक है? नहीं, पहले टिकट किंग के पास लेके चलो तुम मुझे। अभी अपलोड कर दो, कुछ लोग बताएंगे। टिकट किंग के पास ले चलो, टिकट नहीं दूंगी मैं, वो बताएगा, वो बोलेगा जा सकते हैं हम। तुम झूठ बोल रहे हो। लोग देखते हैं ना, वो लोग हमें बताएंगे कि है कि नहीं। हमारा घर पूरा फुल ऑन चिड़ियाघर बन चुका है गाइस। मम्मी लोग गए हैं कोलकाता और ये सारे हमारे भरोसे छोड़ गए हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं, मम्मी मम्मी बोलती है, और इसको मम्मी सोना बोलना सिखा रही थी ताकि सोना चुप सोना बोले बोलते सोना बोलना सिखा रही थी। और इसको ऐसा लगने लगा कि सोना इसका नाम है। सोना बोलने से देखता है किधर बुला रहा है। सोना, मम्मी बोलता है, पासा। देखो सुनो, मम्मी मम्मी मम्मी। अरे काटने आ रहा है। नहीं, हाँ तो काटता ही है। मम्मी मम्मी मिठू मिठू। ये अभी छोटा है तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ वर्ड से सिखा है। मिठू मिठू। अरे बीच में इसका क्वैक क्वैक आ जाता है। मिठू मिठू। सोना सोना। ओए सोना। हाँ बोलता है। सोना सोना सोना। हाँ हाँ बोलता है। सोना बोले ये दोनों में क्या चल रहा है? पसंद चुप। क्या है सिम्बा? सिम्बा बैठो, सेठ सेठ चुपचाप बैठ, इधर ही बैठ, बैठ इधर बैठ, बैठ बैठे रहो। मम्मी मम्मी ये छोटा वाला इतना बदमाश है, चुपचाप बैठा है ना। इसका एक बार बैठे बोलियो, चुपचाप बैठा नहीं। ये इतना बदमाश है ना, इसी के पीछे जाएगा, पीछे जाकर लगेगा और इसको काटता अपना शरीर देख के इसको लड़ना चाहिए। नहीं वही चला गया, अभी उसके पीछे पीछे इंच जाएगा। और ये फिर मेरे देखो देखो, ये भाग भाग के आ रहा है और वो फिर ये भी नहीं छोड़ता है। देख कल बिस्तर से ना गूता मार के धकेल दिया इसको। मुकुल अभी मेरे को लेके आया है ट्रैवल एजेंट के पास, जो हमारे ही भैया है। तो मैं फाइनली स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। हंसे क्यों? अंकल भी हंस रहे पीछे करके। तो और क्या स्विट्जरलैंड ज्यादा नहीं होगी?
आपको क्या लगता है मुकुल नहीं लेके जा सकता मेरे को स्विट्जरलैंड? बेशक जाएंगे, जिधर लेके जा सकते हो लेके चले जाओ भाई, हमको तो बस बैग उठाना है। हमको बैग उठाना, पैसे क्या ये देंगे? ऐसे तो भाई देख रहे हो, इसको बेचेंगे तब तो भाई डायरेक्ट ट्रिप हो जाएगा। हमने सिर्फ ब्रेसलेट दिखाया था इनके पास, तो जीता जाता इतना बड़ा चेन है। मेरे पास टोटल गोल्ड है 14 लाख का गोल्ड है। ये कितने का है? ये तुम्हारा कितने का है? ये बस मुझे कितना 1.5 लाख का है। चलो हो गया, सेम है, ब्रेसलेट हो गया, एक या हो गया, 3 लाख हो गया, का हो गया, तीन हो गया, तो 3 लाख हो गया। चेन है एक 80,000 का, मेरा 40,000 का, तो ये मिला के 5-6 लाख का है बजट। तो गलत बात ना भाई, तो मैं अपना चेन थोड़ी, तो मेरे कौन लेके जाएगा? अरे भाई तुम नहीं पे रहो, अरे तो आप घुमा रहे हो, आप हमारे लिए। एक बार सच बताओ, कितने का ट्रिप किया हूँ मैं आपके साइड से कम अब तक के, कितना हो गया कैलकुलेटर? आप ये पूरा लिख के रखते ना, मैं इनके साइड से कितना अभी तक के घुमा हूँ स्टार्टिंग से लेके अब तक। 8,33,000 इतने के ट्रिप कर लिया है? 8,33,000 का हो गया 2 साल में। 2 साल में बस? 2 साल में बस? कहाँ कहाँ चले गए हम लोग ऐसे? कश्मीर, मनाली और 8 लाख खाली मैंने ट्रैवलिंग में दिया है गाइस, और ये बंदे ने 1 रुपए वापस नहीं दिया। हम देते नहीं है। हम बस तुम्हें दिया है ट्रैवल, कितना अच्छे से लेके, कितने अच्छे से लेके आए। देखो आपको मौका मिल रहा है अपने प्रमोशन करने का, और आर्बिटर बस में सब कुछ सही से मिलता है। सही से बोलो, समझ नहीं आया किसी को कुछ। और आरबी ट्रेवल में हर चीज सही दाम पे और सही समय पे, सही जगह पे सटीक तरीके से मिलती है। हमें मालदीव्स भी इन्होंने घुमाया है, कश्मीर भी और मनाली भी। और हमारे पास इस साल का 200 लीड जनरेट हो चुकी है, 200 लोगों को मैंने पूरा वर्ल्ड में कहीं भी घुमा के रखे हैं। और ये प्रमोशन मत समझना, ये हमारे खुद के भैया है जिसका नाम पड़ा है टिकट किंग वाले भैया। टिकट किंग हमने नाम दिया है। अब हम इनको भेजेंगे कहाँ पे? स्विट्जरलैंड यूरोप टूर, या दुबई, या फिर इनके लिए अपना वियतनाम तो तैयार है, दुबई भी तैयार है, पर मैडम को जाना है कहाँ? यूरोप टूर स्विट्जरलैंड। मैडम बोलती है अकेले जाएंगे कहाँ पे? स्विट्जरलैंड जाएंगे। तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड जाओगे, वीजा लेने में इतना तकलीफ है, उससे अच्छा तुम पूरा यूरोप टूर कर लो। यूरोप टूर क्या है? यूरोप टूर में पूरा आपका जितने यूरोप कंट्रीज, पेरिस आएगा तुम्हारा, लंदन आएगा, जितने भी यूरोप कंट्री, रशिया अलग होती है, रशिया कंट्री अलग होती है, स्विट्जरलैंड फ्रांस में, फ्रांस रशिया आपका, मेक्सिको का सब कुछ जिम्मे आएगा।